वजीर आजम के मामने खसूसी अता ताराल ने कहा है कि सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर से मुतालिक बात पूरे वसूख से की है। एक बयान में अता ताराल ने कहा है कि मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कुछ ना कुछ मालूमात तो हमें मिली होगी। हमने जो बात की है पूरे वसौक और शवाहिद की बुनियाद पर की है। हमारा आजम है कि वकील के कत्ल का केस मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। उन्होंने कहा कि आला अदलिया की सहूलत कारी और चंद मखसूस जजेस की सहूलत कारी से वो राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। कोई गिरफ्तार या तहकीकात करने जाए तो पेट्रोल बम मार देते हैं। मजाकरात का एक वक्त था, हमने हर तरह से तआवुन किया, लेकिन उन्होंने यादगार शहदा को आग लगाई। किसी दहशतगर्द से मजाकरात नहीं होंगे। जो काम तहरीक इंसाफ ने किया है मैं नहीं समझता माफ़ी मिलनी चाहिए। वाज़ह रहे कि वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी अताउल्लाह ताड़र ने इमरान खान के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में पिटीशन और सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का इल्ज़ाम चेयरमैन PTI पर लगाया है। अता ताड़र ने कहा था कि अब्दुल रज़ाक की टारगेट किलिंग के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। PTI एक दहशतगर्द जमात बन गई है। अब चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में पिटीशन और सीनियर वकील एडवोकेट अब्दुल रज़ाक नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक हो गए थे।